नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शर्डे। बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे शेयर बाजार कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से ज्योतिष के आधार पर शेयर बाजार कमोडिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। आज ज्योतिष के अनुसार शेयर बाजार में कितनी मंदी तेजी रहेगी, कमोडिटी बाजार में कितनी मंदी तेजी रहेगी और आज का राशिफल कैसा रहेगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको बता दूं, आ गई है एक ऐसी ऐप जो लॉकडाउन के दौरान भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। आपकी दुकानदारी बंद नहीं होने देगी। ऐप का नाम है माई बिगलिस ऐप, MYMYBIGBLISS माई बिगलिस। इस ऐप से आप लॉकडाउन के दौरान भी अपनी सेल बचाएंगे ही नहीं बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। करना छोटा सा काम होगा, फ़ोन उठाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, माई बिगलिस ऐप को, और अपना स्टोर बनाना है, रजिस्टर कर लेना अपना स्टोर। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स चढ़ाने हैं, जो भी सामान आप बेचना चाह रहे हैं इस ऐप के ज़रिए, फिर आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐप डाउनलोड बिल्कुल मुफ्त है, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। ये बिना एक रुपया खर्च करें आप इस ऐप से अपनी सेल बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि इस ऐप पर लॉगिन करने के लिए या फिर अपना स्टोर बनाने के लिए आपको कोई कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना। अगर आप स्टूडेंट भी हैं, पार्ट टाइम कुछ काम करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, आप कोई गृहिणी हैं, घर से काम करना चाहती हैं, तो आप इस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं बाजार के सितारे में आज के राशिफल से। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मागराम से भी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromoneyguru.com से आपसे मुखातिब होता हूं आज के इस विशेष एपिसोड के अंदर। 22 दिसंबर 2021। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी, इसके अतिरिक्त एग्रोजींस के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। जहां तक राशियों का सवाल है, भारतीय ज्योतिष के अंदर 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन शायद मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रहे हैं, 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है, लाभ कमा सकते हैं। 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। जी अखिलेश जी, तो ये तो हमने कर्नल जी जी से आज का राशिफल जाना था, मुनाफा नुकसान जाना था। आज किन राशियों में मुनाफा लिखा हुआ है, किन राशियों में आज नुकसान लिखा हुआ है, किन राशियों को संभल के चलने की जरूरत है, ये सब कर्नल जी जी से जानेंगे कि आज ज्योतिष के आधार पर कृषि फसलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, किस कृषि फसल के अंदर आज कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, कर्नल जी से जानेंगे। कर्नल अजय जी, यहाँ से बात करें अगर एग्री कमोडिटीज के बाजार की, कृषि जिन्सों के बाजार की, तो हमने हाल ही में सेबी का बड़ा फैसला आते देखा है, 7 कमोडिटीज बैन करी हैं सेबी ने अगले 1 साल तक के लिए, 1 साल की अवधि के लिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वायदा बाजार पर पूरी की पूरी कमोडिटीज लाल निशान पर ट्रेड करती नजर आ रही हैं। ऐसे में आपके अनुसार सोयाबीन में अब आगे क्या रुझान रहेगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो जानना चाह रहे थे कि कर्नल अजय जी को लेके आइए चैनल पर, जिससे कि वो सोयाबीन पर आगे का विश्लेषण बताएं सेबी के फैसले के बाद। क्या यहां से सोयाबीन में गिरावट लगातार गहराती रहेगी, क्या यहां पर सोयाबीन में निचले स्तर से खरीदारी निकलेगी, आगे कैसा रुझान रहेगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी अखिलेश जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि सबसे पहले हम कुछ बेसिक आंकड़े के ऊपर नजर डालेंगे, जिससे समझ आएगा कि बाजारों का रुख आंकड़े किस तरह से निर्धारित करते हैं। यदि हम सबसे पहले देखें तो खाद्य तेलों के अंदर भारत की कुल खपत लगभग 2.25 करोड़ टन की, भारत में खाद्य तेलों की कुल खपत का अनुमान लगाया जाता है। और इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि लगभग 65% से अधिक
खाद्य तेलों का आयात भारत को करना पड़ता है और सरकार ने पाम ऑयल तेल आयात शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया है और ये संशोधित मूल्य सीमा शुल्क जिसे बीसीडी भी कहते हैं मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा। सरकार के अनुसार व्यापारियों को दिसंबर 2022 तक बिना लाइसेंस रिफाइंड पाम तेल आयल तेल आयात करने की अनुमति जारी की रहेगी। इसका मेन मकसद जो सरकार का जो है वो घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना है, खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाना है। वहीं सरकार के निर्देश पर बाजार नियामक सेबी ने भी सरसों व कच्चे पाम आयल सहित पर से जुड़े वायदा कारोबार पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और ये सभी उपाय ऐसे समय पे किए गए हैं जब सरकार के अनुसार महंगाई चरम सीमा पर है। इससे पहले यदि जून में देखें तो सरकार ने खाद्य तेलों के दामों में तेजी को देखते हुए 31 दिसंबर सन 2021 तक रिफाइंड पाम तेल के आयात से पाबंदी हटा ली थी और आयात शुल्क की आखिरी कटौती भी सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को की थी और आयात शुल्क में कटौती के साथ रिफाइंड पाम तेल और पामोलिन दोनों पर प्रभावी टैक्स अब 19.25% से घटकर 13.75% हो जाएगा जिसके अंदर सेस भी शामिल है। इससे रिफाइंड पाम तेल आयल के आयात में वृद्धि होगी और खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर कमी होने की संभावना सरकार के अनुसार है। अब महत्वपूर्ण ये है कि जब 1.17 लाख करोड़ से अधिक का खाद्य तेल भारत में आयात किया था सन 2020-21 के अंदर और 1.3 से 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल दूसरे देशों से आयात करता है भारत हर साल। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो ये है कि जब 65% जो खाद्य तेलों की महंगाई या कमी विदेशों पर निर्भर है तो आपको क्या करना चाहिए। अब ऐसे समय के अंदर जब लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है और उस समय एनसीडीएक्स के ऊपर भावों में कमी है, एनसीडीएक्स के भावों के अंदर तेजी मंदी का जो असर है वो भी राष्ट्रीय एवं घरेलू खपत एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तेजी मंदी के दर्ज के तर्ज पर ही उसके भाव बढ़ते या घटते हैं। एनसीडीएक्स के ऊपर वायदे बाजार पे रोक लगाने से यद्यपि कुछ खाद्य संगठनों ने इसका स्वागत भी किया है, उनके अनुसार कि अब बहुत बेताशा गिरावट हो जाएगी, महंगाइयां बिल्कुल घट जाएंगी और खाद्य तेल बिल्कुल रसातल पे आ जाएंगे, ऐसी सी कुछ बातें चल रही हैं। लेकिन प्रश्न जब यह है जब आप 65% आयातित तेल पर ही निर्भर हो खाद्य तेल पर तो विदेशी बाजारों के उतार चढ़ाव का असर बाजारों पर पड़ता है और जो एनसीडीएक्स के ऊपर जो सोया रिफाइंड ऑयल का भाव है उससे पूरे देश के अंदर एक समान रूपता भाव का भी जनता को उपभोक्ता को कारोबारियों को पता लगता है क्योंकि भाव सेम रहते हैं हर जगह। जबकि अब अलग अलग मंडियों पर अलग अलग निर्यात आयातकों के हिसाब से हर जगह के अपने अलग भाव होंगे, इससे आम उपभोक्ता हो या आम कारोबारियों को समरूपता से 1 सेकंड के अंदर रेट प्राप्त करने में मुश्किल होगी और ये निश्चित है कि खाद्य तेलों की जो महंगाई है इसे वायदा बाजार को बंद करने में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा लंबे अवधि के यदि हम जाने तो, ये छोटी अवधि के अंदर जरूर फर्क पड़ेगा और वो फर्क भी इसीलिए है क्योंकि फ्रेश आप कारोबार नहीं कर सकते हैं तो फ्रेश सौदे नहीं लगा सकते हैं, जो मौजूदा सौदा है उसी को आप काट सकते हैं। इसी वजह से जो एनसीडीएक्स पे देखें कि जो सोया रिफाइंड ऑयल 1190 और 1230 डॉलर तक भी पहुंचा था और जो ये रोक लगाने से पहले 1190 का जो स्तर था आज 1140-42 के आसपास चल रहा है, तो ये 50 रुपए की जो गिरावट है ये इससे पहले भी हुई थी। आप देखें यदि आप नजर रखें तो ये जो 1232 रुपए से 1145 रुपए का जो भाव नीचे गिरा था ये इस रोक लगाने से पहले, तो ये जो गिरावट और तेजी और मंदी का जो दौर है ये बाजारों में चलेगा, इसमें कोई दोराय कोई शक नहीं है। एक और बड़ा प्रश्न एक और बड़ी सूचना ये भी मिल रही है कि सरसों के रकबे के अंदर लगातार बढ़त इस साल रवि के फसलों को देखी जा रही है। सरसों का
रकबा पिछले साल से 24% बढ़कर लगभग 84.2 लाख हेक्टर तक पहुंच गया है और अब तक गेहूं की बुआई का रकबा लगभग 2.80 करोड़ हेक्टर है जो पिछले साल से 0.87% कम है। तो इसका मतलब यह है कि मोटे अनाज के ऊपर सरसों ने इस बार बाजी मार रही है। तो यदि आंकड़े देखें कि सरसों के रकबा लगभग 24% बढ़ गया है तो इसका मतलब यह है कि 24% फसल का इजाफा होने की उम्मीद है। दूसरा जो आयात शुल्क की कटौती है और पामलिव और पाम ऑयल को विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी आप कर सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं कवायद तो बहुत अच्छी लग रही है, कागज के ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, इसमें कोई दोराय और कोई शक नहीं है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न जो एनालिसिस के दिमाग में आता है, मार्केट के विश्लेषण में आता है कि प्याज के अंदर भी कुछ ऐसा था। आपको याद होगा पिछले साल प्याज ने जबरदस्त तेजी दिखाई दी थी और उस तेजी को रोकने के लिए, महंगाई पे काबू रखने के लिए सरकार ने लगभग 2.06 लाख टन का प्याज का बफर स्टॉक बनाया था और जो प्याज जुलाई अगस्त के अंदर 400 रुपए क्विंटल का भाव चल रहा था, 4-5 रुपए का भाव, वही अक्टूबर में आते आते ये 32 रुपए और 40 रुपए तक पहुंच गया, मतलब 7-5 कई गुना उसका इजाफा हुआ। तो और सरकार का बफर स्टॉक भी उसमें काम नहीं आया और प्याज की भी बम्पर पैदावार हुई थी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। पिछले साल भी यदि हम देखें तो सरसों के अंदर जबरदस्त पैदावार थी, पैदावार में कमी कहां थी। सोयाबीन के अंदर भी देखो 119 लाख टन सोपा ने रिकॉर्ड उत्पादन के आंकड़े दर्ज किए हैं, भारत सरकार ने भी रिकॉर्ड उत्पादन के आंकड़े दर्ज किए हैं। तो अब ये बड़ा सवाल ही आ रहा है, एक तरफ आपके उत्पादन बहुत अच्छे हैं, एक तरफ आपके रकबा बहुत बढ़िया है, तो उसके बावजूद भी अब क्या ऐसी जरूरत है कि NCDEX के ऊपर, वायदे के बाजार के ऊपर कारोबारियों को रोक लगा दी जाए। अब सवाल ये होता है कि जब भी NCDEX पुनः कोई वायदा लॉन्च करेगा, पुनः कुछ करेगा, तो उस वक्त एक सवाल या निशान आएगा कि ये कभी भी बंद हो सकता है। अब ये जो तेजी मंदी के जो NCDEX और MCX का जो कमोडिटी एक्सचेंज है, ये पूरे ऐसे एक्सचेंज पूरे हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, चाहे अमेरिका हो, चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अग्रणी श्रेणी के अंदर कृषि उत्पाद है और वहां पर ऐसे ऐसे एक्सचेंज नहीं है। तो बार बार इस तरह से रोक लगाने के अंदर एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है और इससे धीरे धीरे भरोसा भी कम होता जाता है और जो इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हेजिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अपना माल हेजिंग के पर्पज से किया हुआ है, उन लोगों को बड़ा परेशानी होती है। और मैं तो इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किसी भी प्रकार की रोक टोक से यदि आप कोई हासिल कर लेते तो प्याज में भी कर लेना था आपको। प्याज के अंदर तो बिल्कुल कोई NCDEX पर ट्रेड भी नहीं होता था, फिर वो 5 गुना 6 गुना क्यों हो गया। जब ट्रेड ही नहीं होता NCDEX पे तो प्याज के दामों में क्यों बढ़ोतरी हुई। दूसरी चीज यदि आप देखें, गेहूं का देखें या गैर बासमती चावल का देख लें, तो उसके अंदर तो कुछ वॉल्यूम ही नहीं है कोई खास, उसके बावजूद भी यदि रोक लगाई जाती है तो इसके ऊपर एक पुनः विचार होना चाहिए। और एक जो बड़ा प्रश्न है कि क्या इस रोक से कुछ फायदा होगा। फायदा बिल्कुल, यदि आप आज की MRP देख लें, मैक्सिमम रिटेल प्राइस खाद्य तेलों की, जो आप देख रहे हैं, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन तेल है, सूरजमुखी तेल है, पाम तेल है, और यदि आज के यदि हम भाव देख लें तो मोटे तौर पे 181 रुपए, 181.48 मूंगफली का तेल है, सरसों तेल 187.43 रुपए का है, ये खाद्य तेल के खुदरा भाव है यानी रिटेल प्राइस है। वनस्पति तेल जो 138.5 रुपए है, सोयाबीन 150.78 है और सूरजमुखी 163.18 है और पाम 129.94 यानी 9.94 है। तो ये जो भाव हैं, क्या इनके अंदर MRP के रेटों में कमी आएगी और ये कब आएगी, मैं दर्शकों के माध्यम से ये मेरे दिमाग में जो जहन में है कि अभी ये जो भाव है, क्या एक हफ्ते के अंदर इसके अंदर 15%, 10%, 20% कुछ कमी आएगी। यदि वो नहीं आती है तो NCDEX के भावों को या NCDEX पे के वायदों को सस्पेंड करने का कोई औचित्य नहीं आएगा।
मेन तो चीज यह है कि एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइसिंग है, जो रिटेल प्राइसिंग खाद्य तेलों के, ये एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल कम होने चाहिए। इनकी रिटेल प्राइसिंग के अंदर कमी घटोती होनी चाहिए और सरकार को के मार्केट टाइम्स के माध्यम से मैं सुझाव भी देना चाहता हूं कि इनके नाम अखबार में पब्लिश होने चाहिए कि आज ये भाव रहा, और ताकि कोई भी कंपनी उससे ज्यादा पैसा ना ले सके, तभी महंगाई पे काबू होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आपका प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं कि सोयाबीन पे जो गिरावट है, ये गिरावट टेम्परेरली इस पे असर होता है, क्योंकि जब भी कोई वायदे बाजार पे रोक लगती है तो उसके अंदर काटने ही पड़ते हैं सौदे, और वो जब एक साल के लिए है तो इसके लिए कोई भी किसी को उम्मीद नहीं रहती है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इस वजह से जो ये टेम्परेरी भाव एनसीडीएक्स में गिरावट हुई है, इसका जरूरी नहीं है उतना ही आंशिक प्रभाव स्पॉट प्राइसेस पे भी पड़े। इसका एक विशेष ये बिंदु है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए कि एनसीडीएक्स के भावों की गिरावट स्पॉट प्राइसेस के ऊपर उसी समाना पर अनुपात में गिरे, ये जरूरी नहीं है, और ये 2-5-10 दिन की कहानी है। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के रेट्स के आधार पर खाद्य तेलों में तेजी और मंदी चलेगी, ये मेरा कहना है। जी अखिलेश जी, जी तो काफी अच्छा विश्लेषण और काफी महत्वपूर्ण विश्लेषण कर्नल अजीत जी ने खाद्य तेलों समेत सोयाबीन के ऊपर किया है कि जैसे कि सेबी ने अगर वायदा पर बैन लगाया भी है तो क्या उसका असर आम उपभोक्ताओं को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे तो कृषि फसलों के दाम तय होते हैं। अगर वायदा की देखी जाए तो उसका उद्देश्य यही है कृषि फसलों के दाम तय करना पहले से ही, कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस है वो क्या रह सकते हैं। तो अगर उसके बावजूद भी अगर आज की डेट में सरसों तेल 200 रुपये लीटर है और आने वाले 3 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद वो 225 या 230 या 250 रुपये लीटर हो जाता है, तो क्या इस आयात का वायदा बैन का कुछ फायदा हुआ? ये बहुत ही ज़रूरी बात है, सोचने लायक बात है, विचार लायक बात है। और दूसरा, कन्हैया जी ने यह भी बताया कि जो भारत है अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा खाद्य तेलों का आयात करता है, क्योंकि भारत अभी खाद्य तेलों में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। हालांकि भारत ने शुरुआत जरूर की है, पाम ऑयल मिशन के जरिए सरसों का रकबा बढ़ाया है और पाम ऑयल मिशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है जिससे कि आगे जाके खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके, लेकिन अभी वो आत्मनिर्भरता हासिल होने में काफ़ी समय लग सकता है। तो उस दौरान तक भारत को कहीं ना कहीं से खाद्य तेलों का आयात करते रहना पड़ेगा, पूर्ति करती रहनी पड़ेगी, सप्लाई ज़रूरी है, और तब तक खाद्य तेलों की जो घटबढ़ है वो विदेशों पर ही निर्भर रहेगी, जो कि हम अक्सर होता हुआ देखते भी हैं कि अगर भारत सरकार या कुछ भी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। हालांकि सरकार ने जो घटाया है इम्पोर्ट ड्यूटी, ये पहली बार तो करा नहीं है कि पहली बार सरकार ने घटाया हो, इससे पहले भी सरकार कई दफ़ा कर चुकी है, लेकिन उसी अनुपात में विदेशों में दाम बढ़ा दिए जाते हैं, फिर उल्टा भारत को ही नुकसान हो जाता है और भारत में जो कीमतें हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। तो भारत में खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वो घरेलू डिमांड और घरेलू उत्पादन इस पे कम और विदेशों की तेजी मंदी पर ज़्यादा है। और बात रही जहाँ तक सोयाबीन की, तो सोयाबीन में कर्नल अजीत जी साफ साफ कह चुके हैं कि जब भी वायदा पर या कोई सरकार का बड़ा फैसला आता है, कोई महत्वपूर्ण फैसला आता है, तब तब देखा जाता है कि वायदा में और हाजिर में गिरावट देखने को मिलती है। कर्नल अजीत जी के मुताबिक ये गिरावट टेम्प्ररी है और आगे जो तेजी मंदी देखने को मिलेगी खाद्य तेलों पर और तेल तिलन के भाव पर, वो विदेशों पर निर्भर करेगी। यही से कर्नल अजीत जी बात करें अगर कपास खली की, तो कपास खली में भी हमने देखा है कि गिरावट बनती नजर आ रही है। हालांकि कॉटन की कीमतों में हमने तेजी आती देखी है, लेकिन बिनौला खल कपास खली में देख रहे हैं कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वायदा में गिरावट देखने को मिल रही है। 2800 के लेवल के बाद बिनौला खल आज 2700 का लेवल पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आगे जाके साल 2022 में बिनौला खल की कुछ इंडस्ट्रियल डिमांड ऐसी निकल सकती है जिससे बिनौला खल की कीमतों में तेजी आए? देखिए अखिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जो कपास खली है और ये बहुत महत्वपूर्ण पशु आहार है,
और यदि आप देखें कि जितने भी पशु आहार हैं, चाहे सरसों की खली है या और सोयाबीन की है, उससे काफी ये सस्ती पड़ती है। अतः किसान और ये डेयरी फार्मिंग के जो पशुपालक हैं वो कपास खली के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और ये पशुओं को काफी पसंद भी आती है और इससे जो है अच्छा दूध और उसका भी पशुओं के लिए माना जाता है ये अच्छे दूध के लिए। अब सवाल ये होता है कि ये पशु आहार है और यदि उसके दाम बेहताशा बढ़ेंगे, जैसे हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने आपको कहा था कि एक सीमा से बढ़कर जब ये कपास खली के दाम बाजारों में होंगे तो उतनी ही मात्रा के अंदर कम खरीदारी किसान या फिर पशुपालक करेगा और उसके वो अपने पशु के चारे में दूसरा जो आइटम है, चाहे मक्का है, चाहे बाजरा है या बाकी और दूसरी चीजों का समावेश करेगा, क्योंकि इसके बेताशा दामों के अंदर बढ़ोतरी। और एक और महत्वपूर्ण ये भी है कि जब बाकी जो खल है, डीओसी है या बाकी जो है जो ऑयल सीड्स है, उसको के अंदर अभी उतार चढ़ाव चल रहा है तो उसका भी आंशिक प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। जहां तक कपास का सवाल है, कपास के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भाव मजबूती से डटे हुए हैं और भारतीय मंडियों के अंदर भी अच्छी क्वालिटी का कपास जो है वो कम मात्रा में आ रहा है एज कम्पेयर टू पिछले सालों के बनिस्बत। तो अतः इसमें तो कोई खास बड़ी कमजोरी नहीं नजर आती है और कपास खली के अंदर ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल भी हम मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी तेजी को आप लगातार एक दिशा में चलते रहना ये बाजारों के लिए भी ठीक नहीं है और ये उस उत्पाद के लिए भी ठीक नहीं है। तो जो 2800 से के आसपास एनसीडीएक्स पे उसके भाव देखे गए, 2900 के भी भाव देखे गए, तो अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती है और उसके अंदर कोई हैरान परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। ये एक रूटीन और तेजी मंदी है तो इसलिए इसके अंदर कुछ कमजोरी है। और अभी आज तो पूरा एनसीडीएक्स जो पैक है वो लगभग लाल निशान पे ही ट्रेड कर की है कि चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे हल्दी हो, इन सभी के अंदर गिरावट है। गवार सीड के अंदर भी आज कुछ गिरावट है। तो ये तेजी और मंदी, सांस लेना और सांस छोड़ना जैसी दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, क्योंकि आपको सांस लेनी भी पड़ती है और सांस छोड़नी भी पड़ती है। इस तरह से तेजी के बाद मंदी आती है, मंदी के बाद तेजी आती है, यह रुख रहता है। लेकिन जो फंडामेंटली व्यापार समझ के करता है, क्षमताओं के आधार पर करता है, समझ तो निश्चित रूप से उसका वो पूरा फायदा उठाता है। और एक गौरतलब, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं अपने अनुभव से आपसे शेयर करता हूं कि यदि फंडामेंटल मजबूत हैं और आपके पास कैपेसिटी है तो उसके अंदर जब भी माल गिरावट में हो उस समय थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए और तेजी के अंदर माल बेचना चाहिए। अक्सर ये होता है कि मार्केट में तेजी आती है तो सब लोग तेजी तेजी चलाने लगते हैं और जब मंदी आती है तो सारे मंदी करने लगते हैं, तो उसका पूरा फायदा कारोबारी को नहीं मिल पाता। सोयाबीन के अंदर भी आपको याद होगा कि जब सोयाबीन में ये इम्पोर्ट ड्यूटी ऑयल सीड्स में की गई थी और उस वक्त सोयाबीन के भाव बहुत तेजी से नीचे गिरे थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि आप देखिए जो आंकड़े जो निकले हैं प्रोडक्शन के और दूसरे, वो ग्राउंड रियलिटी से दूर हैं और जब तक आप जमीनी सच्चाइयों से नहीं जुड़ेंगे आप कोई बड़ा और सही कारगर निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो मतलब यह है कि यदि आप निवेशक हैं, व्यापारी है, कारोबारी है, तो निचले स्तर पर माल मिलता है तो लेना चाहिए और ऊंचे स्तर पर माल बेच देना चाहिए। यही व्यापार की गतिविधियां हैं और यही रहेगी। जी अखिलेश जी, जी इसे कर्नल जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रेडिंग सेशन से मसालों में भी अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग बनना शुरू हो गई है। ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी मसालों में, आगे जाके मसालों में कितना मंदी तेजी देखने को और मिल पाएगी? देखिए, जहां तक इंटरडे का सवाल है कि जीरा और धनिया के अंदर मुनाफा वसूली हो रही है और यदि आप जीरे और धनिया को देखें तो पिछले लगभग 7-8 ट्रेडिंग सेशन ने इसने जबरदस्त एक तरफा मूवमेंट की है, तो ये एक ऊपरी स्तरों के ऊपर एक मुनाफा वसूली बनती है और तो इसमें कोई हैरान परेशान होने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं कि जिसने निचले स्तर पर माल खरीदा है तो निश्चित रूप से वो अपना मुनाफा वसूल करना चाहेगा। इसमें जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे टीएमसी यानी हल्दी हो,
तो और जहाँ तक इनके फंडामेंटल्स का सवाल है, जीरा के ऊपर जैसे है, हमने आपको पहले भी दर्शकों को बताया था, लगभग 40 से 45% गुजरात के अंदर जो जीरा का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है, वहां पे जीरे की फसल इस बार 40 से 45% की रकबे में उसमें कमी है और वो कम बुआई हुई है, तो इसका इसका असर धीरे धीरे बाजारों पे देखने को मिलेगा। और जीरे ने एक तरफा तेजी भी दिखाई दी, धनिया के अंदर भी पोजीशन यही है कि पोजीशन टाइट है, लेकिन मैंने आपसे कुछ चंद सेकंड पहले यही कहा कि एक तरफा कोई भी तेजी या मंदी लंबे समय तक कांस्टेंट रूप से बरकरार नहीं रह सकती है, मुनाफा वसूली आएगी यदि लगातार तेजी हुई है और यदि जबरदस्त गिरावट भी हुई तो भी वो बाउंस बैक करेगा, ये एक प्रक्रिया है व्यापार की। तो इसलिए उसने जिन्होंने नीचे स्तर पे हमारे कहने से या और किसी भी मार्केट विशेषज्ञ की सलाह से बाइंग की है, उसने मुनाफा वसूल कर लिया, अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, लेकिन कुल मिला के जीरा और धनिए के फंडामेंटल मजबूत ही नजर आते हैं। जी अखिलेश जी, ये से कर्नल जी जी बात करें अगर आप नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में आज आपके अकॉर्डिंग किन नॉन एग्री कम्युनिटीज में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, ओवरऑल नॉन एग्री का बाजार आज कैसा रह सकता है? नॉन एग्री के अंदर जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है, देखिए कि बेस मेटल्स ने अच्छी मूवमेंट है, इसके अलावा कच्चे तेल के अंदर भी मूवमेंट है, क्योंकि कच्चे तेल ने बहुत तेजी से परसों गिरावट दर्ज हुई थी और कल उसका मतलब पिछले फ्राइडे को और उसका बाउंस बैक बहुत अच्छा हुआ, कल सोमवार को भी लगभग 4.5% कच्चे तेल ने तेजी दिखाई। मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर तेजी की संभावनाएं जारी रहेगी और इसके अंदर तेजी का रुख ही धारना चाहिए और शॉर्ट करने से यानी शॉर्ट सेलिंग करने से बचना चाहिए। जी अखिलेश जी जी, ये से कर्नल जी बात करें अगर शेयर बाजार की, तो आज ज्योतिष के आधार पर और आपके अकॉर्डिंग वो कौन से शेयर्स होंगे जिनमें आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है और शेयर बाजार में ओवरऑल आज कितनी उठापटक रहेगी, कारोबार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए शेयर बाजार एक अक्सर कमाई का खेल माना जाता है, लेकिन इस खेल को वही खिलाड़ी खेल सकता है जो उसकी बुनियादी फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल इसको समझ ले। उसके लिए मैं मार्केट टाइम्स के दर्शकों को एक और बात कहना चाहता हूं, 3 सेक्टर पे आपको नजर रखनी चाहिए हमेशा शेयर बाजार के अंदर, जैसे बैंकिंग, सॉफ्टवेयर और ऑयल एंड गैस। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि बाजारों को कमांड करते हैं, बाजारों को गवर्न करते हैं, और यदि ये 3 सेक्टर्स के अंदर यदि आपको मजबूती दिख रही है तो आपको बेफिक्र होकर बाजारों के अंदर निवेश करना चाहिए, और यदि इन 3 सेक्टर में से 2 में भी तेजी है तो भी बाजार मजबूत है, और यदि तीनों कमजोर है तो बाजारों के अंदर लाल लाल या रेड निशान हो जाते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि पिछले लगभग कई महीनों से लगातार विदेशी संस्थागत निवेशक अपना माल बेच रहे हैं और एक परिपाटी भी रही है कि दिसंबर माह के अंदर FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक अपना माल बेच के छुट्टियों पर जाते हैं क्रिसमस और नए साल की, और अगले साल यानी जनवरी के सेकंड वीक के बाद में वो तेज गतिविधियां दोबारा चालू होती है, तो ये बहुत पुराना भी है, लेकिन यदि पिछले कई सालों से देखा जाए उसमें दिसंबर माह का सन 2021 का जो साल रहा है, महीना रहा है, वो वर्स्ट रहा है, लगभग 5 से 7 लाख करोड़ का बिकवाली इन्होंने की है, और आप देखें ये जो बाजारों जो एकदम से धराशायी हुए हैं 17,000 से नीचे भी निफ्टी आई 18,600 से, और ये जो ये इसलिए भी देखी गई क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने उन फ्रंट लाइन स्टॉक्स में निवेश किया हुआ था, चाहे उसमें रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, HDFC हो, SBI हो, जो निफ्टी के ऊपर बेचते हैं, और वो उनकी बिकवाली से निफ्टी के अंदर बड़ा फर्क आया, वो तेजी से नीचे गिरी। अब पॉइंट यह है कि हम अभी निवेशक को करना क्या है, निचले स्तर के ऊपर अच्छी क्वालिटी का माल आपको लेना है। बैंकिंग स्टॉक में आप देख सकते हैं
HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, इनके अंदर आप निचले स्तर पर आप निवेश करते हैं तो आपको आने वाले 2 से 3 महीने में अच्छा मुनाफा मिलेगा। फिर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आ जाइए, इसमें रिलायंस सबसे बड़ा है, ONGC है, इनके ऊपर आप नजर रखें। फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, कहीं कोई सट्टेबाजी इसमें हो नहीं सकती, ये मजबूत फंडामेंटल स्टॉक है, इस पर नजर रख सकते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो इन्फोसिस है, चाहे TCS है, चाहे विप्रो है, चाहे माइंडट्री है, या HCL टेक है, या फिर टेक महिंद्रा है, इन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखें, धीरे धीरे माल इसमें खरीदिए। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स जो है, क्योंकि अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने सीमेंट और लोहा के लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। उसकी मेन वजह है कि कंस्ट्रक्शन इस पीरियड में सबसे तेजी से स्विंग होता है और लास्ट क्वार्टर होने की वजह से सरकारी परियोजनाएं भी अपने फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के वजह से बजट को मैक्सिमम इसमें दिखाने की कोशिश करेंगी। बजट भी फरवरी के अंदर आने वाला है, तो 5 राज्यों का इलेक्शन भी, विधानसभा इलेक्शन भी सर पर है, तो इस बार संभवतः केंद्र सरकार जो है वो बजट के अंदर बहुत अच्छी योजनाएं लाने का प्रयास करेगा, ऐसी अनुमान है। तो इन सब का सकारात्मक प्रभाव बाजारों पे पड़ना ही पड़ना है, ऐसी मेरी धारणा है। तो आप सीमेंट है, लोहा है, क्योंकि ये बुनियादी शेयर हैं, इनके बगैर अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती। टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, JSW स्टील है, ये स्टील की कंपनियां हैं जो कि अब इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज जो लगातार अभी कुछ सदी समय देखा जाए तो स्टील के प्राइसेस में बेताशा कमी भी आई है, बहुत तेजी से गिरावट हुई है और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। और यदि 41,000 का भाव जो स्टील का चल रहा है स्पॉट के अंदर, और NCDX के अंदर भी स्टील प्राइसेस आज डाउन है, तो ये ऑलमोस्ट लोअर लेवल के भाव माने आप, और यहां से अब बहुत बड़ी गिरावट की संभावना स्टील की प्राइसेज में नहीं है। और ग्लोबल स्टील को भी यदि आप देखें तो उसको भी अब यहां से सपोर्ट मिलने की संभावना है। तो कुल मिला के सीन जो है शेयर बाजार का बहुत भयावह नहीं है, ये एक गिरावट मान लें, करेक्शन मान लें, ये एक ऐसे समय पे आपको मिल रही है कि आपके पास भरपूर पैसा यदि है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, तो इसको, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करनी चाहिए। मैं एक ही वर्ड कहूंगा, मत चूके चौहान। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जाके मारा था शब्दवेदी वाहन के जरिए, उसी तरह से इससे बढ़िया मौका नहीं है। इसके अंदर आराम से आप निवेश करें, लेकिन एक बात याद करिएगा, ट्रेडर और निवेशक में फर्क है। ट्रेडर बहुत छोटी अवधि की तेजी मंदी का फायदा लेता है, और निवेशक गिरते बाजारों के अंदर निवेश करके लंबी अवधि के अंदर पैसा बनाने की सोचता है। तो दोनों के दिमाग में फर्क होता है। T20 मैच और टेस्ट मैच, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वही फर्क ट्रेडर और निवेशक का होता है, इंडिया इन्वेस्टर का होता है। तो शेयर बाजार में अभी निवेश का समय है, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। इंडिया सीमेंट है, टाटा मोटर्स है, आपके टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके अलावा एक जो केमिकल स्टॉक्स भी है, जो लिकर स्टॉक्स हैं, अभी 25 दिसंबर और नया साल है, तो आपके जो लिकर स्टॉक्स हैं जैसे रेडिको खेतान है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, यूनाइटेड स्प्रिट है, इनके अंदर भी अच्छी मूवमेंट की संभावना बन सकती है। तो इनके अंदर भी कुछ निवेश किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं चलते चलते आपसे कहना चाहूंगा कि ये सभी जानकारियां फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुंचाई जाती है। कोई भी नफा नुकसान लाभ हानि की जिम्मेदारी ना चैनल की ना मार्केट विशेषज्ञ की होगी। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी जरूर राय कर लें, ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ये देना जरूरी है और ये हर शो के लिए एक लाजमी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है जो आप तक मुझे पहुंचानी होती है। जी अखिलेश जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आज का राशिफल, कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।